गिद्ध के बाद अब सफेद उल्लू मिला है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर के नवीन मार्केट में सफेद उल्लू देखने को मिला है। यह उल्लू कहां से आया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल उल्लू मिलने की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। किसी ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उल्लू को पकड़ कर अपने साथ ले गई। वन अधिकारी लल्लू सिंह का कहना है कि उल्लू को पकड़ा लिया गया है, इसे संरक्षित पक्षी माना जाता है, इसे हम कानपुर चिड़ियाघर को सौंपेंगे। उल्लू कहां से आया है इसका अभी हमें पता लगा रहे हैं। वही दुकानदार छोटू का कहना है कि जब हमने सुबह दुकान खोली तो खिड़की पर चुपचाप उल्लू बैठा था, हमें नहीं पता यह कहां से आया है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मेरी दुकान में सफेद उल्लू बैठा है तो उसे देखने के लिए भीड़ लग गई। बता दें कि कुछ दिन पहले बजरिया बड़ी ईदगाह कब्रिस्तान पर सफेद गिद्ध मिला था जिसे लोगों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। यह गिद्ध 13,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। यह सफेद हिमालयन गिद्ध था। कब्रिस्तान में सफेद गिद्ध का जोड़ा देखने को मिला, साथ ही साथ ये गिद्ध का जोड़ा कई दिनों से डेरा डाले हुए था। वन विभाग की टीम ने इसे चिड़ियाघर ले आई।